हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमएस सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC9, जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इससे आज एक विषय आप लोगों के समक्ष रखूंगा, जिसका नाम है मिल, J.S. मिल, व्यू ऑन स्टेट एंड लिबर्टी। J.S. मिल का राज्य और स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं कि वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में J.S. मिल के क्या विचार थे, और स्वतंत्रता और ये को लेकर लिबर्टी एंड स्टेट वेलफेयर, ठीक है, यानी राज्य और स्वतंत्रता को लेकर J.S. मिल के विचारों का वर्णन करना, ये प्रश्न हमारा बनेगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका जन्म 1806 ईस्वी में हुआ था, पहला ऐसा प्रमुख उदारवादी विचारक थे जिसने शुरू से ही अहस्तक्षेप की नीति, जिसको हम लोग लेजी फायर का सिद्धांत भी कहते हैं, और व्यक्तिवाद को अपनाया, यानी इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद का मतलब इंडिविजुअलिज्म को अपनाया, परंतु सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर विस्तृत विचार करने के बाद उसने सकारात्मक उदारवाद, जिसको हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहेंगे, का समर्थन किया। मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक और प्रतिनिधि शासन को उचित ठहराया, परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने कल्याणकारी राज्य के विचार को, यानी वेलफेयर स्टेट के विचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत का संशोधन भी किया, वही उपयोगितावाद जिसका सूत्रपात बेंथम ने किया था, कि उन्होंने किसी भी सिद्धांत में उपयोगिता पर विशेष महत्व दिया था, उसी सिद्धांत को J.S. मिल ने संशोधित किया। तो मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के में संशोधन करते हुए यह तर्क दिया कि भिन्न भिन्न सुखों में केवल परिणाम के अंतर नहीं होता, गुण का भी अंतर पाया जाता है। मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि उसकी नैतिकता, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचियों का विकास भी जरूरी होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का सूत्र लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति की राय बाकी सारे समाज की राय से अलग हो, तो भी समाज को यह अधिकार नहीं है कि उसे चुप करा दे, ठीक है। तो अब इनके क्या विचार थे स्वतंत्रता और संपत्ति और विनियमन को लेकर, यानी कि फ्रीडम, प्रॉपर्टी एंड रेगुलेशन को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। आचरण की स्वतंत्रता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम ऑफ कंडक्ट, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता पर विचार करते हुए मिल ने आत्म परक और अन्य परक गतिविधियों में अंतर का संकेत दिया है। व्यक्ति की आत्म परक गतिविधियों का संबंध अपने आप से होता है, जिनसे दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः राज्य को इनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु अन्य परक गतिविधियों से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। राज्य को चाहिए कि समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों का नियमन करें। मिल का यह विचार उदारवाद की परंपरा में नए मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि इसमें पूर्ण अहस्तक्षेप की नीति को तिलांजलि दे दी गई। मिल ने अपनी प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसे हम लोग राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, के अंतिम संस्करण में संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की वकालत की। उसने भू संपत्ति के अधिकार पर विशेष रूप से प्रहार किया, क्योंकि भूमि को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत
भूस्वामी के किसी विशेष प्रयत्न के बिना उसकी आय दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। मिल ने तर्क दिया कि इस अतिरिक्त आय पर कर लगाकर उसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कठिन परिश्रम से कारण भूस्वामियों की आय में विशाल वृद्धि होती है। उदारवाद की परंपरा में मिल पहले ऐसे विचारक थे जिसने पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के संदर्भ में व्यक्ति और राज्य के संबंध पर विचार किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया। उसने यह स्वीकार किया कि जब आर्थिक क्षेत्र में व्यापक विषमता देखने को मिलती है, तब राज्य की ओर से अहस्तक्षेप की नीति सामाजिक सुख को बढ़ावा नहीं दे सकती। जब भूमि उद्योग धंधों और ज्ञान विज्ञान के साधनों पर कुछ गिने चुने लोगों का अधिकार हो, तब राज्य को तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि विशाल निर्धन वर्ग के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए मिल ने कुछ सुझाव हैं जो अनिवार्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उत्तराधिकार के परिसीमन से जुड़े हुए हैं, एकाधिकार पर राज्य का नियंत्रण, भू संपत्ति की सीमाएं निर्धारित करना और ऐसे श्रम कानून बनाना जिनके अनुसार काम के घंटे निश्चित कर दिए जाए और कारखानों में कच्ची उम्र के बच्चों से मजदूरी ना कराई जा सके इत्यादि। इस तरह मिल ने जहां राजनीतिक क्षेत्र में विचार और अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता तथा संवैधानिक शासन प्रणाली की पैरवी की, वहीं आर्थिक क्षेत्र में उसने उदारवादी मूल्यों के साथ समाजवादी मूल्यों की भी मणिकांचन संयोग स्थापित करके उदारवाद को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। दरअसल जेएस मिल के जो विचार हैं वे सामाजिक ज्यादा हैं। दरअसल राज्य के अधिकारों पर चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य को यह अधिकार देने का समर्थन किया कि राज्य यह निर्धारित करे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों की गारंटी प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने उदारवादी ढंग को अपनाया और उदारवादी ढंग के अनुसार उन्होंने श्रमिकों के कल्याण को विशेष मान्यता देने के लिए पैरवी की। उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने के लिए राज्य को निर्देश दिया ताकि श्रमिकों का शोषण ना हो सके और श्रमिकों को राज्य में सर्वांगीण विकास करने का उचित अवसर प्राप्त हो सके। दरअसल राज्य के विकास में श्रमिकों की महत्ती भूमिका होती है, क्योंकि वे ही कारखानों या अधिष्ठानों में कार्य कर अपने मालिकों को काफी मुनाफा कमा देते हैं, परंतु इसके एवज में उनको वो उतनी अच्छी कार्यदशाएं या पारिश्रमिकी नहीं मिल पाती है जिसके वे उत्तराधिकारी होते हैं, जिसका लाभ उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। इसलिए मिल के विचार पूरी तरह से उदारवाद के पोषक के रूप में देखे जा सकते हैं और समाजवादी विचारों को उन्होंने एक उदारवादी तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको ये विषय अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे अपने सवाल भी कर सकते हैं और हमारी हैंगआउट मीटिंग में इस पर हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोग इससे अपना नोट्स बना लेंगे और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखिएगा। हम लोग
नए क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे एक नए कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।